The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. Namaskar, Adab, Sat Sri Akal, dosto, main hu Dr. Paramjeet, aap dekh rahe hain Dr. Education. Dosto, bahut sare sawal aate hain logon ke, keh rahe hain ki bhai sir khaansi aa rahi hai, kahin ye corona to nahi hai. खांसी आ रही है, बहुत ज़्यादा दिन हो गए, 10 दिन हो गए मेरे मोहल्ले में कोरोना का पेशेंट है, कहीं मुझे कोरोना तो नहीं हो गया, कहीं मुझे टीबी तो नहीं हो गया. देखो, खांसी को थोड़ा समझो और अपनी बीमारी को समझो. कोरोना वायरस होने के लिए तो ज़्यादातर लोगों को होगा इंडिया में, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी खांसी सिर्फ खांसी कोरोना ही है. खांसी एक बॉडी का रिस्पॉन्स है, एक वे है, एक रिफ्लक्स है. जब उसको कुछ लगता है कि गले में या सांस की नली में कुछ अटक रहा है तो खांसी आएगी. चाहे वो आपका कोई किसी प्रकार का इन्फेक्शन है, कोई फॉरेन बॉडी है, कोई इरिटेंट है जो आपके नसों को, वहाँ के नर्व को स्टिमुलेट कर रहा है और ये मैसेज भेज रहा है ब्रेन को, तो खांसी आएगी. ब्रेन सेल्स आपकी मसल्स, छाती के मसल्स को बोलते हैं कि भाई जोर से एक बार हवा मार दो कि कुछ फंसा है तो वो निकल जाए. वैसे ही गाड़ी गाड़ी बलगम है, बलगम ज़्यादा बन रही है तो भी खांसी आती है. प्रोडक्टिव कफ आता है, ड्राई कफ आता है कई बार जब कुछ नहीं निकलता. ड्राई कफ, प्रोडक्टिव कफ, कोरोना में ड्राई कफ ज़्यादा कॉमन है. कभी कभार किसी किसी को ओकेजनली कुछ खांसी आ जाना कोई गलत चीज़ नहीं है, नॉर्मल है और हेल्दी है. खांसी आना हेल्दी है. कभी कभी खांसी, बल्कि खांसी आपकी दुश्मन नहीं है. खांसी जो कई हफ्तों तक हो रही है, होती जा रही है, होती जा रही है, वहाँ पर टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है. टीबी हो सकता है. और अगर खांसी में ब्लड आ रहा है, ब्लडी म्यूकस आ रहा है, बलगम आ रहा है, तो फिर उसको मेडिकल अटेंशन चाहिए. खांसी में आपका बहुत ज़्यादा फोर्स इस्तेमाल होता है और खाऊं खाऊं करके बहुत ज़्यादा फोर्स से अगर आप खांसी करते हैं, विगरस कफ करते हैं, तो वो खुद खाफ कफ भी लंग्स को इरिटेट कर सकता है और ज़्यादा कफ पैदा कर सकता है. तो कफ को ज़्यादा वो ना करें, सूदिंग रखें. इसलिए स्टीम वीम लेते रहे, भाप लेते रहे. अगर खांसी आ रही है उससे अंदर का नमी बनी रहती है, म्यूकस थोड़ा सॉफ्ट रहता है, वो अपने आप में एक तरीके का इलाज है. इट इज़ ऑल्सो क्वाइट एग्जॉस्टिव. अगर आप खांसी करते रहेंगे तो थक जाएंगे, इतनी जल्दी थक जाएंगे, सोएंगे भी बहुत ज़्यादा. और इवन ऐसा भी होता है खांसी कभी कभी इतनी तेज़ हो जाती है कि आपको चक्कर आ सकते हैं, डिजीनेस हो सकता है, फेंटिंग हो सकती है. खांसी की वजह से हेडेक हो सकता है, खांसी की वजह से पेशाब निकल सकता है, यूरिन इनकफ इनकॉन्टिनेंस, खांसी की वजह से वॉमिटिंग आ सकती है. इवन मानेंगे नहीं लेकिन इतनी तेज़ भी लोगों को खांसी आती है किसी किसी की कि हड्डी रिब टूट जाती है. जी हाँ भाई साहब, सुनने में अजीब लगता है लेकिन ये पॉसिबल है, ये हुआ भी है दुनिया में. तो खांसी बहुत ज़ोरदार चीज़ है और खांसी को हल्के में मत लीजिए. खांसी आपका एक रिस्पॉन्स है, कम आ रही है तो डरिए मत, ज़्यादा आ रही है तो टेस्ट करवाइए. ओकेजनल कफ नॉर्मल है, कफ परसिस्ट होता है तो मेडिकल प्रॉब्लम है. अब याद रखिए, कफ में एक्यूट और क्रोनिक होता है. एक्यूट मतलब 3 हफ्ते से छोटा है, 3 हफ्ते से कम खांसी है तो एक्यूट है, और वो 3 हफ्ते से ज़्यादा है तो फिर क्रोनिक हो जाएगा. खासकर अगर 8 हफ्ते से ऊपर है, 4 हफ्ते बच्चों में, बड़ों में 8 हफ्ते, तो उसको क्रोनिक कफ बोलेंगे. उस केस में 3 महीने, तब तो आपका बिल्कुल ज़रूरी है टीबी का टेस्ट होना चाहिए. एक्सरे तो होना चाहिए, एक्सरे में कोविड भी पता चलेगा, टीबी का भी पता चल जाएगा. बाकी टीबी की दूसरी जांचें हैं वो भी की जा सकती हैं. अब याद रखिए, कफ खांसी के और बहुत से कारण हैं, कोरोना ही एक नहीं है. लेकिन अगर डॉक्टर के पास जाना है तो उसमें कुछ ना कुछ एसोसिएटेड कारण आपका डॉक्टर देखता है कि खांसी जो है, कि खांसी में जो बलगम आ रही है वो बलगम ग्रीनिश तो नहीं है, बहुत गाढ़ी है. खांसी में आपके सांस की आवाज़ वीजिंग तो नहीं हो रही है, आपको बुखार तो नहीं है, आपको चक्कर तो नहीं आ रहा, सांस तो नहीं फूल रहा, आपके वज़न कम तो नहीं हो गया, एंकल में स्वेलिंग तो नहीं हो गई है. ऐसी चीज़ों से हमें इंडिकेशन मिलता है कि बीमारी कहाँ हो सकती है. अगर आपको चोकिंग लग रही है, वॉमिटिंग हो रही है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, स्वॉलोइंग प्रॉब्लम, छाती में दर्द, ब्लड आ रहा है खांसी में, तो ज़रूर तुरंत डॉक्टर के पास जाएं. लेकिन ऐसा नहीं है कि घर में कुछ नहीं कर सकते. कफ के लिए होम रेमेडी, सेल्फ केयर मेजर्स हैं. जब आपके एक्यूट कंडीशन में कफ है और डिस्ट्रेस ज़्यादा है, आपके नींद से, काम से, काम धंधे से इंटरफियर कर रहा है कफ, तब आप कफ के लिए ओवर द काउंटर कफ या कोल्ड रेमेडीज ले सकते हैं डॉक्टर की सलाह से. कफ एंड कोल्ड रेमेडीज जो है वो अंडरलाइन डिजीज को नहीं मारती, आपकी बीमारी को थोड़े देर के लिए रुकती है. कई बार कफ जो है अपने आप ठीक हो जाता है, वायरल इन्फेक्शन होता है. कई बार ऐसे भी होता है कि कुछ नहीं है, प्लासीबो इफेक्ट आ जाता है.
मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो सीरियस चीज है, बच्चों में ओवरडोज नहीं करना है, बच्चों में मेडिकेशन सोच समझ के और बच्चों के डॉक्टर से पूछ के ही देना है, वो सबसे जरूरी एस्पेक्ट है, बहुत जरूरी। इसको मैं आई के नॉट स्ट्रेस इनफ ऑन दिस। बच्चों में बच्चों के डॉक्टर से डोज और दवा कंफर्म करके ही देना है। डू नॉट यूज ओवर द काउंटर मेडिकेशन जो आपको पहले डॉक्टर ने अगर कभी दी हुई हो, उसको डबल यूज कर लें, ट्रिपल यूज कर लें, या इसको दिए उसको यूज कर लें, ऐसे ना करें, राइट? अगर आप मान लीजिए कोई पेन किलर ले रहे हैं, फीवर वाली ले रहे हैं, वो तो ठीक है, लेकिन एंटीबायोटिक ले रहे हैं कफ को ठीक करने के लिए, बच्चों को दे डायरेक्ट दवाई दे रहे हैं, वो गलत हो जाती है। 6 साल से बच्चे छोटे हो तब तो और ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, बच्चे 12 साल से नीचे में भी प्रॉब्लम कर सकते हैं। ऐसे में कुछ सिंपल चीज़ें हैं यार, आप सिंपल कफ ड्रॉप्स आते हैं, कैंडीज आती हैं जो बच्चों को दे दो चूसने के लिए, हनी ड्रॉप्स आते हैं, आप उनको सिंपल हनी दे सकते हैं। शहद अपने आप में कफ को लूज कर देता है, इसमें खांसी को गले को ठीक करने की अच्छी खासी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी भी है। 1 साल से छोटे बच्चे को नहीं देना है, बाकी सबको दे सकते हैं, बड़ों को भी दे सकते हैं। और एयर को मॉइस्चराइज रखिए, टेम्परेचर सही रखिए, एसी का टेम्परेचर आपने एसी एयर को ड्राई कर देता है, एयर को मॉइस्चराइज करिए। मॉइस्चराइज के लिए मिस्ट ह्यूमिडिफायर यूज कर सकते हैं या सिंपल स्टीम शावर ले सकते हैं, स्टीम ले सकते हैं दिन में 3 बार। खूब सारा पानी पीजिए, पानी क्या करता है, गला थ्रोट वार्म लिक्विड, गला भी आपका गला गीला भी करता है, बलगम भी पतला करता है, और इवन चाय आपकी लेमन टी या फिर आपका लेमन जूस या फिर आपका जिंजर टी, ऐसी अदरक वाली चाय, ये सब गले के लिए सूदिंग होती है। किसी प्रकार की स्मोकिंग या धुआं और धुएं वाली चीज़ से दूर रहें, वो आपको और ज़्यादा दिक्कत करेगी। ये सारी घरेलू चीज़ें आपने करके देखनी है। इसके अलावा मुलेठी है, ऐसी कोई चीज़ जो आप गले को सूदिंग के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। बहुत आसान है इस चीज़ को, घरेलू नुस्खे को इस्तेमाल करना, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि कहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करनी होती है कि भाई ये अब सीरियस हो रहा है। वो सीरियसनेस के लिए, खासकर अगर आपको कोरोना का डर है, तो उसके लिए आपको दिल की धड़कन, ब्लड प्रेशर, बुखार और ऑक्सीजन लेवल आपके ब्लड का सैचुरेशन प्रोब से चेक करना है। आप रेस्पिरेटरी रेट भी चेक कर सकते हैं, पहले कितना था, 1 मिनट में कितनी बार ब्रीदिंग कर रहे हैं, खांसी बढ़ रही है, सिम्टम्स को भी चार्ट कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है, अगर ऑक्सीजन का लेवल आपका 5 या 10 से गिर गया, 5 जो भी आपका पहले था, आपका 99 था, अब 89 हो गया, या अब 90 के नीचे हो गया, 80 और कम कम होते जा रहा है, तो ये डेंजरस हो सकता है। और तो आधा 5 से भी गिर गया तो डॉक्टर से बात करें या फिर अस्पताल जाके दिखाएं। लेकिन अल्टीमेटली हमें मॉनिटरिंग करनी है, आपको घर में मॉनिटरिंग करनी है, उस पेशेंट की केयर करना है, खुद से सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है, डॉक्टर से फ़ोन पे, ऑनलाइन या फिर अस्पताल जाके बात करनी है। कफ अकेला बहुत सारे हजारों कारण है खांसी होने के। सिंपल सा बीटाडीन का गार्गल भी आपका कई बार अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को ठीक कर देता है। यहां तक के कुछ रिसर्चेज में यह भी देखा गया है कि बीटाडीन का गार्गल कोरोना वायरस को भी मार सकता है, जहां की सिर्फ वो अभी, मान लीजिए अगर आपका एक्सपोजर हुआ है, मान लीजिए आप अभी अभी किसी ने आपके ऊपर खांस दिया और कोरोना वायरस आपके अंदर गया, तो कुछ कोरोना वायरस तो आपके लंग्स में चला जाएगा। देखिए डायरेक्ट सांस खींचते हैं आप, तो सांस के साथ कुछ कोरोना वायरस तो लंग में जाएगा ही जाएगा, लेकिन कुछ वायरसेस मुंह के अंदर उस समय रहते हैं, वो धीरे धीरे जाते हैं, उसका वायरल लोड कम कर सकता है बीटाडीन का गार्गल। दैट इज वन प्रिंसिपल जो अगर आप अस्पताल जाके आए हैं या ऐसे कोई एरिया में है या कोविड पॉजिटिव पेशेंट से मिलकर आए हैं, तो जाने के आने के बाद तुरंत बीटाडीन के गार्गल कर लें, वो एक ठीक ठाक चीज़ है, नॉट अ ट्रीटमेंट बट इट्स जस्ट अ प्रिकॉशन, ये एक अच्छी चीज़ है। गरारे कर लें बीटाडीन के, वो आपको हेल्प करेगा। बस इतना ही है कोरोना के लिए। अगर कोरोना में दिक्कत आ रही है तो दवाइयाँ मौजूद हैं, डॉक्टर्स आपको देंगे, कुछ दवाइयाँ सेफ हैं, कुछ में रिस्क है, कौन सी आपको देनी है ये डिसीजन आपके डॉक्टर का होगा, खुद डॉक्टर ना बने, उसके नुकसान बहुत है। अगर डॉक्टर अस्पताल में नहीं मिल रहा तो ऑनलाइन बात करें, अगर अस्पताल में बेड नहीं मिल रहा है तो घर में ऑक्सीजन का प्रबंध करें, उसके लिए हमने ऑलरेडी वीडियोस बना रखे हैं, कोरोना वायरस पे सारे वीडियो ज़रूर देखें। वीडियो पसंद आने पे लाइक का बटन पहले दबाएं और शेयर ज़रूर करें। मैं हूं डॉक्टर परमजीत, आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।